स्नोरिंग या तो कराटे। ये यंग एज में है तो ये आपके लिए डेंजर घातक हो सकते हैं। ये क्या क्या देखे जा सकते हैं? बीपी, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और इंसोम्निया, मतलब के अनिंद्रा, नींद नहीं आना, कभी कभी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो के हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। हमारे लिए उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मिस्टर बप्पी लहरी साहब के, जिनका निधन ही इसी कारण से हुआ था। ये होता किनको है? ओरल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और ओबेसिटी वाले लोगों को। करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहले वेट रिडक्शन, आपकी नींद, आपकी स्लीप पैटर्न को सुधारना चाहिए। वेट रिडक्शन से सबसे अच्छा बेनिफिट वो रहेगा, मसल मास के वेट कम हो जाने के कारण से आपके कराटे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक सही तरीके की स्लीप, विदाउट डिस्टर्बेंस वाली स्लीप, वो आपको कराटों से निजात दिला सकती है। और अल्कोहल और स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसका कम सेवन करना। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली आप सर्जरी की हेल्प लेके, ईएनटी सर्जन के द्वारा हेल्प लेके सर्जरी करवा के कराटों से निजात पा सकते हैं।